ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण से शिव शंभु भगवान भूत भावन का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पड़ोस में, आसपास आपके घर में कोई भी, या आपके परिजन में, आपके परिवार में, दूर दराज में कहीं भी कोई भी माता या बहन की संतानोत्पत्ति होने वाली हो और उनको संतान की उत्पत्ति होने वाली हो, डिलीवरी होने वाली हो, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिए। शिव महापुराण का एक अचूक उपाय है, चमत्कारिक उपाय है। आपको 7 गुड़ की डलियां लेना है, गुड़ की 7 डलियां लेनी है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग जहां हो। 7 गुड़ की डलियां का मतलब है कि टुकड़े लेने हैं, 7 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े आप ले लीजिए। 7 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है जहाँ शिवलिंग हो, और शिवलिंग से उन टुकड़ों को घुमा लीजिए। 7 जो टुकड़े आप गुड़ के ले गए हैं, उन गुड़ के टुकड़ों को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से घुमाकर 7 बार घुमा लीजिए। जितने बार भी आपका मन करे, इसमें शिव पुराण में ये कहा गया है कि उन 7 गुड़ की डलियों को घुमाकर उस महिला को खिला दें आकर, जिस महिला को डिलीवरी होने वाली हो, संतानोत्पत्ति होने वाली हो। उसके बाद आपको जब ये 7 गुड़ की डलियां शिवलिंग से घुमा लेंगे, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आप चुपचाप अपने घर चले आएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको भगवान से प्रार्थना कर कर 7 गुड़ की डलियों को घुमा कर चुपचाप अपने घर को लौटाना है, पीछे मुड़ के नहीं देना। उस 7 गुड़ की डलियों को उस महिला को खिला देना है, धीरे धीरे कर कर। एक बार में ही 7 नहीं खिलाना है, धीरे धीरे कर कर खिला सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि वो माता, वो बहन को डिलीवरी नॉर्मल होगी, अस्पताल का चेहरा भी नहीं देखेंगी वो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। मुफ्त के ये उपाय हैं, भगवान महादेव शंभु भूत भावन सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं, और उनसे की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं होती है। तो दोस्तों, आपसे विनम्र मेरा निवेदन है, वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए, और जितना हो सके आप अपने परिवारजनों को, सभी को व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजिए। अगर आपको समस्या नहीं है तो किसी को भी हो सकती है, आपका एक शेयर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। तो प्लीज़, आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।